हेलो गाइस, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो पीएचडी के रिलेटेड है। ये नोटिफिकेशन निकला है आपका 7th of November को। 7th of November को ये वाला नोटिफिकेशन आपका निकला है यूजीसी की तरफ से। आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। तो ये थोड़ा सा लंबा पीडीएफ है, तो मैं जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल या बेनिफिशियल है, और रेदर आई शुड से यू शुड नो दिस पॉइंट बिफोर गोइंग फॉर पीएचडी। सो बहुत सारे चीज़ बोल रखे हैं टेक्निकल टर्म्स जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जो मेन मेन चीज़ है मैंने उसको हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे पहला तो जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट जो है कि 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, या फिर 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। मेरे जो लगभग व्यूअर्स है वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आता है, 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। एक और चीज़ है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन बाहर से किया है, फॉरेन से किया है, और आप पीएचडी इंडिया में करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन डिफरेंट लेवल्ड जो है उन लोगों के लिए। प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट आस्किंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल वट एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉर। तो ये आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, और 5% मार्क रिलैक्सेशन कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। जिन लोगों ने एम फिल करा है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, वो लोग भी पीएचडी कर सकते हैं। और ये सारे कुछ नोटिफिकेशन आपको दे रखा है फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में भी, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो लगभग हमारे कंट्री में जो फेलोशिप दिया जाता है वो 5 साल के लिए दिया जाता है। तो मिनिमम जो आपका पीएचडी चलनी चाहिए वो मिनिमम 3 साल तक होनी चाहिए, 3 साल से पहले आपको पीएचडी भी नहीं मिल सकता। और मैक्सिमम जो नॉर्मल टर्म्स है मैक्सिमम 6 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। 6 साल के बाद आप 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो अंडर स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद टोटल 8 साल के अंदर आपको पीएचडी ख़त्म करना ही है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के केस में ये और 2 साल बढ़ाया जा सकता है, और वो सब के केस में मैक्सिमम 10 साल, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी के लिए भी। वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी हो उसके केस में भी 10 साल मैक्सिमम है। फीमेल पीएचडी स्कॉलर के केस में मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर के लिए 240 दिन का एडिशनल, जो 240 दिन का टोटल आपको एंटायर पीएचडी के ड्यूरेशन में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है, तो उतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप अगर नॉर्मली कर रहे हो तो हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब एडमिशन के प्रोसीजर क्या है आपको तो पता ही, जो कन्वेंशनल मेथड है आपको कोई फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप रहना चाहिए, यूजीसी नेट का हो, यूजीसी सीएसआर नेट का हो, गेट का हो, सीट का हो, या फिर कोई नेशनल लेवल टेस्ट के बेस्ट में, इंटरव्यू बेस्ट में जो होता है जेस्ट हो गया, जैसे टीआईएफआर हो गया, जैसे उस टाइप का। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, मेन मेन यही सब चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो अगर मान लो कोई किसी जॉब में है, पार्ट टाइम पीएचडी करना है, वो क्या कर सकते हो, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बस उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा अपनी जॉब प्लेस से जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे ये तीन चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जैसे द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम और हर टू डिवोट
sufficient time for research. If required, he or she will be relieved from the duty to complete the course. ये सारे चीज जहाँ पे लिखा होगा इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे, ये अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हो किसी पीएचडी इंस्टीट्यूट में तो फिर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की आईडी जो है वो है फिजिक्स ऑफ वाटर, PHYSICXHUB1। इस आईडी जब आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो हमारे ग्रुप मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो दिस वीडियो मे बी यूजफुल टू सम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JRF नेट एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। Unacademy is India's largest online teaching learning platform. You can prepare for various competitive exams like CSIR NET, GATE, JEST, IIT JAM, TFR. Especially if you are preparing for CSIR NET Physical Science, you can join me on Unacademy Plus. I cover all the 9 units of CSIR NET Physical Science syllabus. My approach is especially, I precisely give you the concept of the concerned topic. Then I discuss the relevant mathematical formula and do the analysis. Relevant problem based on the topic, including previous year questions are discussed. Homework and assignments are also given. This is my profile, and if you want to join my Unacademy Plus courses, you can enroll for this course. And if you are new to this Unacademy platform, you can take Unacademy Plus subscription using our referral code PhysicsUp, and Unacademy will give you 10% off. So take the Unacademy Plus subscription today and put your feet one step ahead towards reaching your goal. Thank you.